Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Glamour Icon. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और हंसी खुशी अपनी लाइफ को गुजार रहे होंगे. मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें, आमीन. इस छोटी सी मगर खूबसूरत दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ. आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ फैंसी और कैजुअल ड्रेस डिज़ाइन जो कि गोटा पट्टी से तैयार किए गए हैं. जैसा कि आप जानते हैं गोटा पट्टी का काम तब इन था जब हमारी माएँ जो हैं वो जवान हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद इसका फ़ैशन चला गया. आज फिर ये ट्रेंड्स पे है और बहुत ज़्यादा इसका फ़ैशन है, बहुत ज़्यादा इन है. ख़ास तौर पे मेहंदी और माइयों के कपड़ों पे गोटा वर्क का काफ़ी ज़्यादा काम हुआ होता है. आपने देखा होगा कि आप बाज़ार में ड्रेस ख़रीदने जाएं तो गोटा वर्क के बहुत ज़्यादा ड्रेसेस आपको नज़र आते हैं, या आप किसी भी पार्टी पे जाएं तो आपको गोटा वर्क के बहुत से ड्रेसेस नज़र आते हैं. गोटा वर्क के ड्रेसेस से आप हैवी और लाइट दोनों तरह के ड्रेसेस बना सकते हैं, कम काम करवा लें या ज़्यादा. तो इस वीडियो में आपको 35 प्लस आइडियाज़ मिलेंगे कि आप किस तरह से गोटा लेस को इस्तेमाल के गोटा पट्टी को इस्तेमाल करके अपने ड्रेस को खूबसूरत और हसीन बना सकते हैं. आया कि आप दामन पे काम करवाएं, स्लीव पे करें, या सिर्फ़ और सिर्फ नेकलाइन पे गोटा वर्क करें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लगता है. आप देख सकते हैं सारे के सारे डिज़ाइन कितने सिंपल हैं. कुछ पे ट्राउज़र पे कैप्री पे काम हुआ है, कुछ पे दुपट्टे को डिज़ाइन किया गया है, कुछ को नेकलाइन और कैप्री पे किया गया है, कुछ की जो है जो लॉन्ग फ्रॉक्स हैं उनके घेरे पे दामन पे गोटा वर्क की काफ़ी ज़्यादा लेयर्स लगा के तो आपकी फ़्रॉक को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है. इसमें से कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो कैजुअल वियर के हैं, कुछ आपके फैंसी हैं. तो आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे अपने लिए सेलेक्ट करें. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा.